नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक बार और हम आए हैं हमारे खीरा के खेत के अंदर। दोस्तों तो पिछले वीडियो में दोस्तों हमने आपको बताया था कि अगर हमारे फल खराब हो रहे हैं तो उनके लिए क्या करें दोस्तों। तो उनके लिए हम ये डिब्बे लेकर आए थे पीला कलर के, और इनके अंदर हमने जो है मक्खी मार के जो बिस्कुट लगाए थे वो इस तरीके से लगाए थे। और उस समय हमारे ककड़ी जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। अब हमारा ये आप फल देख सकते हैं दोस्तों, हमने जिस समय ये लगाया था उस समय तो फल बहुत ज़्यादा ख़राब थे। अब इस तरीके से हमारे फल साफ साफ बन रहे हैं, जिनका कि हमें मार्केट के अंदर अच्छा रेट मिलेगा। तो दोस्तों हमारा ये डिब्बा लगाने का मकसद यही था कि हमारे फल मक्खी नियंत्रण हो, और अब हमारे जो है फल मक्खी नियंत्रण हो चुकी है। तो दोस्तों अब इनके अंदर इस तरीके से फल बनने लग गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं अगर आपको समझ में आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों हम इस तरीके से वीडियो बनाकर आपको दिखाते रहते हैं दोस्तों। तो हमारा तो जो फल मक्खी नियंत्रण करने का फार्मूला हम लेकर आए थे वो अच्छी तरह से हमारे काम कर गया है, तो और हमारे जो है फल भी अच्छे बनने लग गए हैं। तो दोस्तों अगर आपके भी इसी तरीके से फल मक्खी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है तो उसके लिए आप जो है उस वो पीले डिब्बे लेके आएँ मार्केट के अंदर, 60 से 70 रुपए के अंदर हमें बिस्कुट समेत मिल जाएंगे, और हमारे खेत के अंदर जो है फल मक्की भी नियंत्रण हो जाएगी। तो दोस्तों हम आपको पूरा खेत दिखा देते हैं दोस्तों कि इस तरीके से हमारे फल बने हैं। और पिछली बार जो हमारे हमने जब डिब्बे नहीं लगाए थे तो उस समय बहुत ज़्यादा फल खराब हो रहा था, और डिब्बे लगाने के बाद में आप देख सकते हैं इस तरीके से फल बन रहे हैं दोस्तों। अगर आप देख ही सकते हैं इनका रिजल्ट अच्छा रहा हमारे लिए तो, और आपको दिखाएंगे कि पहले कैसे फल बन रहे थे। तो दोस्तों ये यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से डंक लग रहे थे, और इनका अब हमारे खेत के अंदर जो है कंट्रोल हो चुका है। तो अब हमारे तो फल अच्छे हो चुके हैं दोस्तों। अगर आपके भी डंक लग रहा है फल के अंदर तो आप उनके ऊपर जो है इस तरीके से डिब्बे लाएं, और करीबन अगर आपके 100-150 फीट की अगर एक लाइन है तो उनके अंदर 2 से 3 डिब्बे आपको लगाने होंगे, यानी कि अपने 150-200 रुपए के आसपास खर्चा आएगा, लेकिन हमारे दवाई नहीं डालनी पड़ेगी और फल अच्छे बनेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों हम इसी तरीके से वीडियो बनाते रहते हैं दोस्तों, और ये हमारा खेत इस तरीके का है, इसके अंदर हमने मक्का लगाई हुई है, बैंगन लगाए हुए हैं, और तिरोई लगाई हुई है, गिलकी लगाई हुई है, तो सारी चीज़ें हमने इसी तरीके से लगा रखी है। ये हमारे खेत के अंदर फल है, अब हमारे फल के अंदर कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। तो दोस्तों ये फल मक्खी हमारे खेत के अंदर तो नियंत्रण हो चुकी है। तो आपको भी अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप इस तरीके से डिब्बे लेकर आएं और इनके अंदर जो है बिस्किट लगाएं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।